चेक कर रहे हैं, बहुत मजे के होते हैं। रास्ते में डैम था तो डैम पे रुके हैं, तो काफी ज्यादा प्रेशर में पानी है, बहुत प्रेशर में। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, क्या हाल चाल है आप सबका? होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कल चनियोट से निकले थे तो पूरा रास्ता जलालत काटी है, इस वजह से ना मैं शूट कर सका ना अभी और चक्कर। उधर चनियोट से हम आए उधर इस्लामाबाद, उसके बाद फिर हमने कश्मीर आना था, तो काफ़ी हालत था। मुजफ्फराबाद 110 किलोमीटर था शायद, लेकिन वो क्योंकि पहाड़ी रास्ता है ऊपर से थोड़ा ख़राब भी था, तो कम अज़ कम हमें 4-4.5 घंटे लग गए। रात को 11-12 बजे पहुँचे, तो जिस तरह चाहते थे वैसे शूट होना नहीं, तो अभी फ़ायदा नहीं था शूट करने का। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10, अभी अभी उठे हैं, तो काशी भाई साथ हैं जी। हमने अब आगे जाना है, अभी नाश्ता वगैरह करना है, नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयार होना है, फिर हमने जाना है कुटन वाटरफॉल। कुटन वाटरफॉल है वहाँ पे जाना है। मेरी हालत पे नहीं जाना ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी भी सो के उठा हूँ, तो बाकी भी नाश्ता करने आए हैं। मैं मानसरा भी जाता हूँ ना जब, तो मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी मज़े की लगती है, उनके पराठे, क्योंकि उनका आटा जो हम आटा यूज़ करते हैं ना वो आटा नहीं होता, इनका होता है वाइट आटा, तो उसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। ये चेक करें, बहुत मज़े के होते हैं। और ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अभी वैसे ज़रा टेरेस पे आए थे, इधर ज़रा सीन शीन देख रहे थे, ज़रा यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ताज़ी आबो हवा ले रहे थे। तो अभी कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं, उसके बाद हमने जाना है। जाना कहाँ यार, मैं भूल जाता हूँ, कुंडन वाटरफॉल। तो अभी कपड़े शपड़े प्रेस करके तो निकलते हैं, ज़रा यहाँ से ज़रा ताज़ी आबो हवा ले लें। धूप पड़ रही है लेकिन इतनी सख्त नहीं है, मज़ा आ रहा है। वो दरिया नीलम है, और ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, इसकी बैक पे पीर चनासी है, इसकी बैक पे पीर चनासी है। और चले, टाइम काफ़ी हो गया, अभी जाना भी आ गए, तो कपड़े शपड़े जाके पहने, तैयार शहर हो, निकलना भी है फिर। तो यार सीन कुछ ऐसे है कि मैं भी नहा के निकला हूँ, और देख सकते हैं कि वाइट शर्ट पहनी हुई है। सीन मुझे कुछ ये ऐसा फेस करना पड़ रहा है कि मैंने आज तक वाइट शर्ट पहनी नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वाइट शर्ट पहनी है। पता नहीं कब मैं कॉन्फिडेंस अपना लूज़ करता हूँ, मुझे भी नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। खैर अभी भी नहा के निकले हैं, तो अभी हमने जाना है आगे, तो अभी भाई का वेट कर रहे हैं, क्योंकि नबील भाई को ड्राइविंग नहीं आती, और हमें उनके ड्राइविंग पे शक भी है, तो हमने कहा भाई हले सानू इसराइल मिलन का कोई शौक नहीं, तो ज़रा हौसला करें आप। तो अभी दूसरे भाई आ रहे हैं जिन्हें ड्राइविंग करनी है, अभी उनका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे तो फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यार अब सीन ये है कि तैयार शहर हो गए, इधर तैयार शहर हो गए, अब तैयार शहर होके निकलने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर बता दें हम जा कर रहे हैं भला, ये कुटन कुटन वाटरफॉल। पेट्रोल शेट्रोल डलवा लिया, अब जामदन है अपने रास्ते की तरफ। वैसे मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, मतलब नरान के गान, बाबू सा टॉप वगैरह हर जगह, मतलब मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद थी। लेकिन एक चीज़ अक्सर बचपन में बुक्स में भी पढ़ते होते थे, कश्मीर जन्नत है, मैं नहीं समझता था, लेकिन आज भाई वाकई लग रहा है, लिटरली लग रहा है।
काशी भाई की ना रात को आते हुए वो करीबन कोहाला ब्रिज के बाद बहुत तबीयत खराब हो गई थी और दे वॉमटिंग। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत अलहमदिल्ला ठीक है। अगर मेरे अकेले का मसला होता ना तो मैंने कसम से हिलना ही नहीं था तकरीबन एक हफ्ते तक, लेकिन मुझे ये है कि मेरी वजह से दो बंदे शहजादे इतना सफ़र कर गए बेचारे। मैं तो पहले दो चार पाँच दफ़ा घूम चुका हूँ तो, लेकिन आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ तो तबीयत तो अलहमदिल्ला ठीक है। तेरा सीन ये है कि वो आपको बताया था कि शीशा लगवाना था क्योंकि जुमा है आज, तो लोग इबादत में मसरूफ़ हैं, मुसलमान इबादत में। हमें शर्म करनी चाहिए, दो मिनट की साइलेंस या शर्म के लिए जी बस काफ़ी है। तो अभी वो जुगाड़ शुगाड़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं यार एल्फी शेल्फी से डाल के ना कोई शीशा जोड़ लेते हैं, क्योंकि भाई अगर असल में रोड बड़े खतरनाक, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि कौन पीछे से आ रहा है। टूरिज्म है, टूरिस्ट रश भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ना जरा जुगाड़ शुगाड़ लगाते हैं उसका। फिलहाल तो हमें कुछ मिला नहीं है, बट आप ना सो मैं आपको नहीं दिखा रहा यार। ये भाई ना मुझे हर दफा कहता है मुझे भी दिखाया करो, मैं बाइक को दिखा रहा हूँ। उधर था ना? हाँ उधर यार, इंशाल्लाह खैरियत से पहुंचेंगे, आप सबको दिखाएंगे। ठीक है, समझ आ गई है? नहीं समझ आई, वेट करो आ जाएगी। अच्छा यार एक और बात जो आपसे शेयर करनी थी, वो शेयर ये करनी थी कि हमने अब रास्ते में घुटन जाते हुए ना पांच छह जगह पे रुकना है, तो अब मैं एक ही व्लॉग में आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब अब दो तीन चार, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अब दो ढाई घंटे का रास्ता है, तो ये सब अंदाजा लगा लें रास्ते में काफी स्पॉट आएंगे। और एज आई सेड के कश्मीर एक जन्नत है, कश्मीर ठीक है मेरी। तो फिर मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है किस चीज़ को जरा मैं गौर से देखूं किसको ना देखूं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब आधी वीडियो देखते हैं, शुरू के एक दो मिनट वीडियो देखते हैं फिर स्किप कर देते हैं, फिर वो जो आगे आने वाली चीज़ होती है अगर क्या पता वही वो चीज़ देखना चाह रहे हैं और वो फिर ना देख सके, तो इसलिए आई विल मेक श्योर कि मैं मतलब लैदर लैदर चीज़ का ना लैदर लैदर व्लॉग ही बनाऊं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी हुआ ना टेक्स लोग होते हैं पूरा नहीं देखते। सो ठीक है ना, ओके हो गया ठीक है। जाना नहीं बस्ते बुस्ते बैग इतनी बह जाओ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको बाकी चीज़ें। जा रहे थे नीलम वैली की सॉरी कुटन की तरफ, ठीक है आगे थोड़ा सा रास्ता रह गया, तो अभी यहाँ रास्ते में डैम था तो डैम पर रुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में पानी है, बहुत प्रेशर में पानी है अभी ने। अभी बिल में कह रहे हैं वो वाला जो गेट है ना वहाँ से सही पानी है, कि वो मेन गेट है, ये छोटे छोटे बने हुए हैं यहाँ है, तो एम शुगर के लेने में पानी छोड़ा होता है, वो मेन गेट है वहाँ से पानी आता है। कह रहे हैं एक दो दिन पहले खुला हुआ था, अब बंद है। तो यार सीन पता क्या है, जैसे बलूचिस्तान में नहीं है कि मतलब वहाँ से सुई के मुकाम पर गैस निकलती है लेकिन उन्हीं को नहीं दी जाती, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे ऐसे है कि अब यहाँ पे डैम बना हुआ है, ठीक है, तो अब असल असूल जो बनता है वो तो यही है ना कि यहाँ पे डैम है, बिजली बन रही है, तो इन लोगों को पहले प्रोवाइड की जाए बिजली, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन तेली माओ वाला सीन है, तेली माँ कभी तो बिजली बेशक यहाँ पे बनती है लेकिन इन लोगों को दी ही नहीं जाती, इन्होंने अपना कोई ना कोई जुगाड़ लगाया हुआ है, कोई ना कोई अपने सीन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिस वजह से वो अपनी बिजली की ना ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई चक्कर ही नहीं है यार यहाँ पे, क्या कह सकते हैं, बाकी अल्लाह का हुक्म है। बाकी यार मैं अगर लिटरली कहूँ ना कश्मीर वाकई जन्नत है यार, लिटरली जन्नत है कसम से। नीचे गिर के मैंने कहाँ जाना है, यहाँ ही तो जाना है, ये सामने आगे जा रहे हैं तो अभी ये डैम के ऊपर वाली साइड पे आए हैं, इसके पीछे पानी आई थिंक सो गए काफ़ी स्टोर होगा, बट चेक करते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। सही बात है, अगर उन्होंने वो बंद किया होगा तो स्टोर तो होगा ना पानी, तो उन्होंने खोल के रखना, चेक करते हैं।
दिस इज डैम। नाउ आई कैन से डैट के कश्मीर इज रियली अ जन्नत। वो भाई कह रहे हैं जहाँ पे रेत रेत है ना, ये सारा पानी होता है, ये ऊपर तक फुल होता है, इनके ऊपर तक फुल होता है, सारा पानी होता है, समझे आप लोग? समझा? नहीं नहीं सर। चला रे। ये वाले जो पहाड़ हैं ये इंडिया के हैं, ठीक है, कभी भी इनका दिमाग पागल हो जाता है, कभी भी इनकी मुन्नी बदनाम हो जाती है, फिर मुन्नी की इज्जत बचाने के लिए ना ये लोग कभी भी फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये झंडा लगा हुआ है, ठीक है, ये जो आपको इधर इधर नज़र आ रहा है ना, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान।